इस पे हम लोग का एक टॉपिक चल रहा था रेफरेंस लाइन। तो रेफरेंस लाइन में एक दो चीज़ें रह गई थी जिसको आज कंप्लीट करता हूँ मैं। मेन पेज पे आके प्रोग्राम में इंटर, तो ये फोन नंबर पे है रेफरेंस लाइन स्टार्ट। जॉब ऑलरेडी मैंने सेट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास जो नज़दीक पॉइंट हैं वो 23 नंबर, मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। और उसके बाद सेकंड पॉइंट है 22, इसको मैं फाइंड कर लेता हूँ F1 से कंटिन्यू। और ये हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस वो दे रहा है 9.312 है। और इसमें एक टॉपिक गुजरा था सेगमेंट का, जिसमें असल में मैंने वीडियो शॉर्ट करने के चक्कर में वो थोड़ा बताना भूल गया था कि उसमें हमने सेगमेंट को डिवाइड किया था बराबर, और उसके बाद जो लास्ट डिस्टेंस बचता था उसको आखिरी सेगमेंट के लिए रख दिया था। तो इसमें अब तमाम सेगमेंट की लेंथ इक्वल रखी जाएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मसलन ये 9 है, मैं इसकी 2 मीटर लेंथ रखता हूँ सेगमेंट की, 2 और इंटर। ये इसने 5 सेगमेंट बना दिए हैं और लास्ट सेगमेंट जो है उसकी लेंथ 1.312 है। तो मैं इसको नीचे आके अब ये देखे ये डिस्ट्रीब्यूट है, इसको मैंने इस डिस्ट्रीब्यूट को मैं इक्वली कर देता हूँ। जैसे इक्वल किया तो ये 4 सेगमेंट बन के जिनकी सबकी बराबर लेंथ है। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो उसके बाद इस तरह मैं ये तमाम सेगमेंट को लगा सकता हूँ। होपफुली कि मैंने क्लियर कर दिया जो चीज़ रह गई थी।